आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की कृषि से संबंधित तीसरी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है वह है, तो राजस्थान में तंबाकू की खेती सर्वाधिक अलवर जिले में की जाती है। इसके अलावा जालौर जिले के अंदर भी तंबाकू की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अफीम का उत्पादन में से किन जिलों में होता है, तो राजस्थान में अफीम का उत्पादन झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है और चित्तौड़गढ़ के अलावा कोटा में और झालावाड़ जिले के अंदर भी अफीम का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का की खेती प्रमुख जिले हैं, तो राजस्थान में मक्के की खेती मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। इसके प्रमुख जिलों में उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा राजसमंद जिले के अंदर भी और इसके अलावा बांसवाड़ा, इन पांच जिलों में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा, इन जिलों में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है और एरिया पूछे तो ये मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। और मक्का एक कैसी किस्म है, ये एक खरीफ की फसल है, और मक्का जिसे अनाजों की रानी कहा जाता है, और मक्के की किस्म कौन कौन सी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा एक दो, माई कंचन, एक माई धवल, इसके अलावा नवजोत और इसके अलावा विजय। ये माई धवल, माई कंचन, नवजोत और विजय, ये मुख्य रूप से मक्के की किस्में मानी जाती है जो आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेघा किस्में हैं, तो इसका राइट आंसर होगा किसकी है, मक्के की। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस्म माई कंचन किस फसल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा मक्के की किस्म है। तो मक्के की कौन कौन सी किस्म है, एक तो माई कंचन, एक माई धवल, एक नवजोत और एक विजय, ये मुख्य रूप से मक्के की किस्म है। अगला क्वेश्चन, कौन सा असत्य है, पहला यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल सही है, आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, ये कथन गलत है क्योंकि माई कंचन किसकी है, मक्के की किस्म है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर जो कि असत्य है। सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, बिल्कुल चौथा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर जो कि असत्य। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मक्के का मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्षेत्र कौन सा, मेवाड़ क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मक्का होता है, और जिले पूछे तो आपका आंसर होगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में मुख्य रूप से मक्का उत्पादन होता है, और मक्के की किस्में पूछे तो आपका आंसर होगा माई धवल, माई कंचन और नवजोत और विजय, ये मुख्य रूप से मक्के की किस्में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा
उदयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर के अंदर। टसर योजना जो कृत्रिम रेशे पालन की एक योजना है जो राजस्थान के 3 जिलों में चल रही है, एक बांसवाड़ा में, एक उदयपुर में और एक कोटा में, इन 3 जिलों में टसर योजना चल रही है। तो आने वाले एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि टसर योजना किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कृत्रिम रेशे पालन से संबंधित है और ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में संचालित की जा रही है, तो ये बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा जिले में ये संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न पूछा, टसर कृत्रिम रेशे का विकास राजस्थान निम्न में से किस जगह किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण सर स्थानों को कहा जाता है, इसका कारण है कि यहां पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। देश में राजकोट कहां है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, जहां पर अत्यधिक मात्रा में मूंगफली उत्पादित होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन बीकानेर के लूणकरण सर में होता है, इसलिए लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किस कारण? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होने के कारण। और मूंगफली जो एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें प्रोटीन की एक अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, इस कारण मूंगफली को गरीबों की बादाम कहा जाता है, गरीबों की बादाम कहा जाता है। मूंगफली एक कैसी फसल है? तो आपका आंसर होगा ये एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? ये खरीफ की फसल है। और मूंगफली राजस्थान में कहां कहां पर उत्पादन होती है? तो ये मुख्य रूप से बीकानेर के लूणकरण सर क्षेत्र यानी कि बीकानेर के अंदर होती है सर्वाधिक मात्रा में। इसके अलावा जोधपुर में भी होती है, इसके अलावा जालौर के अंदर भी अधिकांश मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होता है और मूंगफली एक खरीफ की फसल है। इसके अलावा देश के अंदर मूंगफली का कौन सा स्थान है? तो नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मूंगफली का राज्य में दूसरा स्थान है, सॉरी देश में दूसरा स्थान है। क्या? देश में दूसरा स्थान है, यानी कि देश में दूसरा स्थान एक दो कुल पोषक अनाज में और एक मूंगफली में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। और इसके अलावा मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? बीकानेर में बना है। ये मूंगफली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां स्थित है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या अलवर में? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, मूंगफली की राजस्थान में मंडी कहां पर है? बीकानेर में, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा भारत में दूसरा स्थान है। तो मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर के लूणकरण सर में, मंडी कहां पर है? बीकानेर के अंदर बनी हुई है। और मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। देश में कौन सा स्थान है मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का? तो दूसरा स्थान है। और कुल अनाज उत्पादन में यानी कि कुल पोषक अनाज उत्पादन में भी राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। यह आर्थिक समीक्षा, नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो कि देश में दूसरा स्थान है मूंगफली के उत्पादन में। कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के समान मृदा में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो यह मूंगफली है जो मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन की स्तर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं, इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। इसके अलावा झालावाड़ जिला और कोटा, इन जिलों में भी मसाले उत्पादन होते हैं, लेकिन सर्वाधिक कहां होते हैं? 12 में। और इसके अलावा झालावाड़ और कोटा जिले में यानी कि हाड़ौती क्षेत्र यानी कि हाड़ौती संभाग में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। यदि संभाग पूछे तो आपका आंसर होगा हाड़ौती संभाग, और क्षेत्र भी हाड़ौती क्षेत्र जहां मसाले सर्वाधिक उत्पादित होते हैं।
सुमेलित कीजिए, एक तरफ फसल है एक तरफ उन्नत किस्म है। गेहूं की कौन सी किस्म है? तो राज 3077 ये गेहूं की किस्म है। जो की कौन सी है? जो की आरडी 2035 जो की किस्म है। बाजरा की आरएचबी 30 ये बाजरा की है। और माई कंचन माई धवल ये मुख्य रूप से किसकी है? मक्का की है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना नई किस्में जो आने वाले एग्जाम में और पूछी जा सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि गेहूं की कौन कौन सी है, कि गेहूं की और कौन कौन सी किस्में जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सोनालिका, सोनालिका गेहूं की किस्में है। इसके अलावा नाबी एमजी ये गेहूं की किस्म है। इसके अलावा पूसा, इसके अलावा पूसा गंगा सिंधु, इसके अलावा कल्याणी कोहिनूर ये मुख्य रूप से गेहूं की किस्म है। इसके अलावा यदि चावल की पूछे कि चावल की कौन कौन सी है, तो चावल की डागरा, इसके अलावा बाला, इसके अलावा माई सुगंधरा बासमती और ओस अमन और बोरा, ओस अमन और बोरा ये मुख्य रूप से चावल की किस्म है। और राज 171, राज 171 ये बाजरा की है। और एमपीएमडी 17 ये भी बाजरा की है। इसके अलावा कपास की कौन कौन सी है? कपास की नरमा है, नरमा है, देवी राज है, देवी तेज है, विरनार है और अगति है ये मुख्य रूप से कपास की है। इसके अलावा मक्का की कौन कौन सी है? मक्का की माई धवल माई कंचन नवजोत विजय और मेघा ये मुख्य रूप से किसकी है? मक्का की है। और सरसों की कौन सी है? एक इंपॉर्टेंट याद रखना वरदान ये मुख्य रूप से सरसों की किस्म है। और इसके अलावा चने की कौन सी है? चने की है दोहेद येलो ये मुख्य रूप से चने की है। दोहेद येलो चने की किस्म है ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। रत्ना है, बाला है जो कि चावल की है, लेकिन ज्योति ये धान की किस्म नहीं है। ये किसकी है? ये मुख्य रूप से जो की, किसकी है? जो की है, गोविंद पी है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, ये आरएस 2023 में प्रश्न पूछा गया कि माई कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किस्म है। तो ये एक तो मक्का की है और इसके अलावा ये बाजरे की। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में होता है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में बूंदी में इन जिलों में भी गन्ने का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, गंगानगर जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ किस्में दी हुई है एक तरफ फसलें दी हुई है, हमें उन्हें सुमेलित करना है। मक्के की कौन सी है? माई धवल है। चावल की डागर है, सरसों की वरदान है और चने की दोहेद येलो है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर जो कि सही सुमेलित है। अगर यदि नई किस्में हैं और आपको लग रहा है तो ये नोटबुक में ऐड कर लेना और बार बार रिवीजन करना, आने वाले एग्जाम में यही से वापस क्वेश्चन बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगी। नई किस्में नहीं पूछी जाती है, यही वापस घुमाकर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, दोहेद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है, गन्ने की या चने की? तो इसका राइट आंसर होगा ये चने की एक उन्नत किस्म है। ये क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया और वापस क्वेश्चन सीईटी एग्जाम के 2023 में आ गया। इसलिए तो कहता हूं कि जो पुराने एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को लगा दो, उसके आसपास बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद कर लो और फिर एग्जाम में चले जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 95% क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाएंगे। और मेरे यूट्यूब पर राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजव्यवस्था और अभी राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है,
ये क्वेश्चन और इनके आसपास बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर वो देख के भी चले जाते हैं ना, यदि आने वाले सीईटी एग्जाम के अंदर यदि राजस्थान जीके के 50 या 55 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 47 से 48 क्वेश्चन मेरे इस वीडियो में से राजस्थान जीके के क्वेश्चनों में से आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। और ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं और मेरे पूरे अनुभव के साथ कहता हूं, इसलिए तो कहता हूं कि ये वीडियो देख के चले जाना, आपके अंदर यानी कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके चाहने वाले जो जितने भी साथी हैं जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये क्लासेस शेयर करना, ताकि ये बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाते हैं और पैसे देकर टेस्ट सीरीज खरीदते और वहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते हैं और इसका कोई पैसा नहीं। इसलिए अपने चाहने वाले दोस्तों को क्लासेस शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, दुर्गा केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, तो यह तरबूज की एक प्रसिद्ध किस्म है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और जीरा सर्वाधिक कहां पाया जाता है, जालौर में, जोधपुर में और सिरोही में सर्वाधिक उत्पादित होता है जीरा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जब वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं तो राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में 47 बताइए, कितने बताइए 47 बताइए। यदि वर्तमान में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा 47, लेकिन उस समय इसका नजदीक की आंसर कौन सा था, 45 था, 4 नंबर का था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं, तो 47 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है, तो राजस्थान में अलसी का उत्पादन हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक होता है, अर्थात कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन क्षेत्रों में अलसी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसके अलावा एक प्रतापगढ़ के अंदर भी होता है अलसी का उत्पादन। अगर क्षेत्र पूछे तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन होता है, संभाग पूछे तो कोटा संभाग और हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन होता है। और अलसी एक रबी की फसल है, कैसी फसल है, रबी की फसल है, कैसी फसल है, ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं, तो राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हाड़ौती प्रदेश यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, इसमें इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और इसके अलावा यदि 5 जिले आ जाए तो प्रतापगढ़ भी कर देना, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, एक तरफ फसल है एक तरफ प्रमुख उत्पादक जिले हैं, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी जिले में होता है और मक्का का उत्पादन मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद इन जिलों में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं का श्रीगंगानगर, बाजरे का अलवर और चावल का बूंदी और मक्के का भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है, तो भारत की पहली जैतून तेल रिफाइनरी राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के अंदर 3 अक्टूबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैतून रिफाइनरी जो देश की पहली रिफाइनरी इसकी स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होगा 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर शहर के लूणकरणसर तहसील के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और लूणकरणसर के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन भी होता है, जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया, इनकी जहां पर पूर्णतः जैविक खेती की जाती है, तो वह राजस्थान का पहला जैविक जिला है डूंगरपुर, जहां पर जैविक कृषि की जाती है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगर पूछे कि राजस्थान का प्रथम जैविक गांव कौन से गांव को घोषित किया गया, तो आंसर होगा दादिया जयपुर। अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पहला जैविक गांव कौन सा है, तो दादिया गांव कहां पर है, जयपुर में। राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला कौन सा, तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर। और देश का पहला जैविक आधारित खेती करने वाला राज्य पूछे, तो आपका आंसर होगा सिक्किम।
कौन सा? सिक्किम। तो राज्य कौन सा? सिक्किम। जिला कौन सा? डूंगरपुर। और गांव कौन सा? जयपुर का दादिया गांव, दादिया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित था? तो बजट 2019-20 की बात है, राजस्थान में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरुआत में राजस्थान के 3 जिलों में प्रारंभ की गई थी, बांसवाड़ा टोंक और सिरोही जिले। इन 3 जिलों की कुल 36 ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना का शुरुआत किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत तरीके से कृषि करना, कम सिंचाई करना, इसके अलावा प्राकृतिक खाद का यानी जैविक खाद का अधिकांश उपयोग करना और केमिकल रहित कृषि करना यानी कि केमिकल खाद का उपयोग कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरुआत की, लेकिन वर्तमान ये शुरुआत में 3 जिले बांसवाड़ा टोंक और सिरोही जिले 3 जिले थे और उन 36 ग्राम पंचायत थे, लेकिन वर्तमान में ये संपूर्ण राजस्थान में लागू है और ये 4 स्तंभों पर आधारित थी, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प, ये 4 स्तंभों पर आधारित इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 36 ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 के बजट में घोषित की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना जो शुरुआत की गई थी तो ये टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही जिले की कुल 36 ग्राम पंचायतों में शुरुआत की गई, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान में लागू है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? तो जीवामृत है, बीजामृत है, आच्छादन, लेकिन शुरुआत नहीं है, इसके अंदर आएगा वाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये 4 स्तंभों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। ये पूर्व में 3 योजना थी, 3 योजना कौन कौन सी? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ऑन फॉरम जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों को मिलाकर, इनको, इन तीनों योजनाओं को समन्वित करके एक नवीन योजना का निर्माण किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया 1 जुलाई 2015 को। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, तो ये 3 योजना को मिलाकर, 3 योजना को समन्वित करके एक नई योजना का निर्माण किया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 3 योजना का नाम याद रखना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, ऑन फॉरम जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों को मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो 60% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है और राज्यों की 40% हिस्सेदारी है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषण 60% और राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषण 40% किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य के बीच में वित्त पोषण अनुपात है, तो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, ये इतने सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इनके आने वाले एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। मैंने बताया था कि 3 योजनाओं को समन्वित करके एक योजना का नया रूप दिया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1, समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम, इसके अलावा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और इसके अलावा ऑन फॉरम जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों को मिलाकर एक नई योजना का रूप दिया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। याद रखना, आने वाले इन 3 योजना का नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का
प्रतिशत योगदान बताया गया है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2007-08 के बजट में। कब की गई थी? 2007-08 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 40%। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के द्वारा कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपका आंसर होगा 2007-08 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष में प्रारंभ की गई थी, ये 2022 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा। तो इसका राइट आंसर होगा 2007-08 के अंदर की गई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें केंद्र सरकार की 60% हिस्सेदारी और राज्य सरकार की 40% हिस्सेदारी है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? यह राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2014-15 में की गई थी। कब की गई? 2014-15 में राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की शुरुआत की गई थी। पूर्व में भारत सरकार के द्वारा 4 योजना संचालित की जा रही थी, उन 4 योजनाओं को समावेश करके एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया 2014-15 में, जिसका नाम था राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। और वह 4 कौन से मिशन थे, इनकी 4 पूर्व में कौन सी योजना थी? तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना और चौथी थी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन 4 योजनाओं को मिलाकर एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014-15 में। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा एक उप मिशन सम्मिलित था? तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मैंने बोला था 4 पूर्व में योजना संचालित की जा रही थी, इन 4 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना बनी। 4 योजना कौन सी? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन पहली, दूसरा राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना दूसरा, और तीसरा है कि राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, और चौथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन चारों योजनाओं को मर्ज करके यानी कि एक नया योजना का रूप दिया, जिसका नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन वर्ष 2014-15 में शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्ष 2015-16 में इसका केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% कर दिया। तो वर्तमान में पूछा कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपका आंसर होगा 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपका आंसर होगा 40%। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, जिसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40%। इसके अंतर्गत कुल 3 सब मिशन है, एक वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा जलवायु परिवर्तन तथा टिकाऊ खेती, और तीसरा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये 3 इसके अंतर्गत सब मिशन है, लेकिन आपदा प्रबंधन इसका सब मिशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ कल फिर मुलाकात होगी। आप सबका धन्यवाद।